2023 में साउथ इंडिया की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी थलावती विजय स्टारर लियो का ट्रेलर आ चुका है और मुझे पता है कि हम सबके साथ स्कैम हो चुका है। हमें वादा किया गया था कि हिंदी ट्रेलर शाम 7 बजे आएगा, पर नहीं, इन्हें तो तमिल ट्रेलर वाले वीडियो से रिकॉर्ड क्रिएट करना है, इसलिए हिंदी ट्रेलर को डिले कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदी ट्रेलर को लोग वैसे ही देखने वाले हैं, तो तमिल ट्रेलर से थोड़ा सा व्यूज कमा लिया जाए। दिस इज बिजनेस। खैर, लोकेश कनगराज भाई साहब ने ट्रेलर के अंदर कोई भी बिजनेस स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं किया है। एग्जैक्ट रॉ ट्रेलर डबल एक्शन के साथ विथ अनिरुद्ध का बवाल म्यूजिक माहौल बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। मुझे बताना पड़ेगा, सॉरी शाहरुख खान फैंस, ये ट्रेलर बहुत हद तक जवान के ट्रेलर को भी बीट कर देता है। लिटरली इस ट्रेलर का डबल मजा लेने के लिए एक बार हेडफोन ला के देखो, मजा आ जाएगा भाई साहब। ट्रेलर में थलावति विजय की लुक और संजय दत्त की बैडस स्किन प्रेजेंस बहुत स्टाइलिश वे में प्रेजेंट किया गया है, एग्जैक्ट लोकेश कनगराज की पिछली मूवी विक्रम की तरह। देखो भाई, लियो भी साउथ की एक मास मसाला मूवी है, पर यहाँ पर नॉर्मल साउथ इंडियन मूवी की तरह लॉजिक का गला दबा के मारा नहीं गया है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल किया गया है, ताकि इलॉजिकल चीज भी बहुत खतरनाक दिख सके। और मेरे अकॉर्डिंग वही डायरेक्टर लोकेश कनगराज की असली क्रिएटिविटी है, जिससे उनके फिल्म मेकिंग स्टाइल में ऑडियंस एडिक्ट हो जाती है। तो भाई, ट्रेलर के डिटेल डिस्कशन में घुसने से पहले थोड़ा सा इधर उधर के डॉट को कनेक्ट करके कहानी का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं। जहां इसका कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश के एक सीरियल किलर से, जो वहां के लोगों पर एक दिन खुलेआम गोली चला रहा था, और वैसा करते करते कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया, इसलिए वो बहुत बड़ा डॉन बन गया। नोट कर लो, मैं हैरोल्ड दास की बात कर रहा हूँ। और एक दिन इसी खतरनाक बंदे को मारने के लिए शेर की तरह एक पुलिस ऑफिसर का एंट्री होता है, पर ऑफिसर गोली चलाने से पहले ही किलर ने उसे मार दिया। कहानी का दूसरा साइड है विजय थलावती का कैरेक्टर यानी लियो, जो बहुत फेमस आदमी है, और वो हिमाचल की एक चॉकलेट फैक्ट्री को ओन करता है। बंदे का फैमिली है, एक बच्ची है, और बंदा बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ और शांत रहना पसंद करता है। इसी के साथ कहानी का तीसरा साइड है संजय दत्त एज एंटोनी, जो कि मूवी का मेन विलन है, और इसी के साथ लियो का पास्ट में किसी तरीके की कनेक्शन है, और इसी वजह से इस पोस्टर के अकॉर्डिंग लियो बैटल को अवॉइड करना चाहता है, पर संजय दत्त का कैरेक्टर एंटोनी उसे बैटल में इन्वॉल्व होने के लिए मजबूर कर रहा है। जहां मेरे अकॉर्डिंग एंटोनी हैरोल्ड दास के साथ मिलकर एग्जैक्ट एक हायना की तरह लियो को परेशान करेगा, जहां एज यूजुअल बात लियो के फैमिली पे आएगा और लियो भड़क जाएगा, भेड़िया के विरुद्ध लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। पर यह कहानी इतना भी सिंपल नहीं होने वाला, मैंने जस्ट अपना थ्योरी के साथ इस कहानी को थोड़ा सा मिलजुल कर तुम्हें बताया। कहानी के बारे में डिटेल डिस्कशन लियो के बाकी वीडियोस में हो जाएगा भाई साहब, टेंशन मत लो, सब्सक्राइब कर लो। फिर उसके बाद ट्रेलर के डिटेल डिस्कशन में घुसने के टाइम ही हमें बैकग्राउंड म्यूजिक का याद आ जाती है, जहां मैं अनिरुद्ध भाई साहब को एक सल्यूट कर सकता हूं। भाई, ट्रेलर के 1:30 से लेकर एंडिंग तक एक्शन सीक्वेंस के साथ जो बैकग्राउंड स्कोर प्ले होता है बहुत खतरनाक है। माँ की आंख बैकग्राउंड स्कोर परेशान कर रख देती है कि कब मूवी आएगा, मैं देखने जाऊंगा। अनिरुद्ध भाई साहब पहले अपने जेलर को ब्लॉकबस्टर कर दिया, उसके बाद जवान को 1,000 करोड़ पार कर दिया, अब लियो की बारी। जियो 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 अनिरुद्ध भाई साहब, जियो। फिर उसके बाद मूवी का एक्शन किस लेवल का बार सेट करने का पोटेंशियल रखता है, वो इस ट्रेलर देखकर समझ में आता है। स्पेशली लियो कुल्हाड़ी और हथौड़े को लेकर जो बवाल मचाता है बहुत खतरनाक है। स्पेशली वो रस्सी पकड़ के पैरों से गोल गोल घूम के ठोकने वाला एक्शन सीक्वेंस बहुत खतरनाक था। भाई, ये ट्रेलर देखकर फील हो जाती है कि मैं कोई नॉर्मल ट्रेलर नहीं देख रहा हूँ, बल्कि लोकेश कनगराज भाई साहब के फिल्म का ट्रेलर देख रहा हूँ। उसके बाद विजय थलावति का ये गुस्सा तुमने नोटिस किया, भाई साहब क्या एक्टिंग करता है बंदा, एग्जैक्ट एक हायना की तरह बंदा पागल हो जाता है सबको मारने के लिए। मुझे लगता है कि इस मूवी में लियो का सबसे बड़ा वीक पॉइंट उसका फैमिली है, पर जब फैमिली पे बात आती है अपन की हट जाती है, ऐसा डायलॉग इस मूवी में नहीं डाला गया है भाई साहब, बल्कि मास और क्लास का कॉम्बिनेशन में एक बवाल चल रहा है। फिर उसके बाद एंटोनी का ये चीखना मुझे बहुत हद तक विक्रम मूवी में कमल हसन की तरह लगा, और लियो अपने बच्ची को लेकर सो रहा है ये भी बहुत हद तक विक्रम मूवी के जैसा था। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे डिटेल्स ट्रेलर में नोटिस किया है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस हो जाए। फिर उसके बाद ट्रेलर के हर एक सिनेमेटोग्राफी को देखकर मैं हैरान रह गया भाई साहब। स्पेशली वो कार चेजिंग का विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमेटोग्राफी का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। मैंने इंडियन सिनेमा में ऐसा सिनेमेटोग्राफी कभी नहीं देखा है। देखो भाई, इस ट्रेलर के बारे में और कुछ मिनट में बात कर सकता था, बट यार मूड बहुत खराब है। हिंदी ट्रेलर देर से आया, वैसे भी तबीयत बहुत खराब है, तुम देख ही सकते हो एनर्जी कैसा है वीडियो में। खैर, जिंदगी में एनर्जी हर वक्त कहाँ से आएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो में हर वक्त एनर्जी 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 हो। खैर सॉरी, शायद तुम्हें ये वीडियो बहुत ज्यादा बोर लग रहा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब तुम्हारे ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तलाश है।